माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। तो एडा हमारा टूल था, सबसे पहले आपने मैंने बता दिया जमा कैसे करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपने बता दिया कैसे जमा होगा इस फाइल को। आज हम थोड़ा सा आगे करते हैं, रिजल्ट की तरह कैसे किए एक्सेल में रिजल्ट की तरह कैसे किए मिसाल के तौर पर। सबसे पहले ऊपर वाली जगह में आप टाइटल देंगे उस सारे को मंजिल करने के लिए, मैंने कहा था एक सेंटर आने के लिए यह टूल है, ये वन टेम्प सेंटर, ये एक डिब्बा बन गया, ठीक हो गया। अब ये है आगे ठीक है, एक डिब्बा बना इधर मैंने लिखना है मिसाल के तौर पर रिजल्ट का लिखना होगा, मैंने इधर लिख देना रिजल्ट का, ठीक हो गया। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ से इसमें कलर कर लें, ये चीज से कलर दें और इसको वहाँ कर लें, ठीक हो गया। यहाँ देखो पता लग गया कि नहीं, मैंने सबसे पहले मैंने किया कि दो सेल को आपस में जोड़ लिया ऐसे मर्ज कर लिया, फिर उसमें बस ये काम। अगला टूल है हमारा भैया, आपको पता लग गया किसी को नाम डाला था, अगला हमारा टूल है कि हम नेम, जैसे बच्चों के नेम होते हैं या पे हम किसी भी बुक्स के नाम, या पे हम बुक्स के नाम चुनने लगे हैं, अब यहाँ पे हम बच्चों के नाम, जैसे बच्चा अली है उसके नाम से कोई भी बच्चे हैं, साल के तौर पे कितने बच्चे हैं, ये तरीका मैंने बता दिया था कैसे हम निकलना, साल के तौर पे इतने घर पर बच्चे हैं, आगे बच्चों के नंबर हम ऐड करने हैं, यहाँ से कोई भी बच्चों के आपके नंबर ऐड करने हैं, ये आप ये तो मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ ना, जब आपने कहीं पे जाना था जॉब के लिए तब आप उनके घर पर रहेंगे, लेकिन ये तो काफ़ी गलत से जाता है, आप लोगों की परेशान नहीं रहेगी यहाँ पे ये कैसे कर दिया, नंबर उनके ही होने, जैसे आप नहीं है 50 में 30 नहीं है, आपने यहाँ 30 लिखे, ठीक हो गया ना बच्चे के हिसाब से। अब मैंने मिसाल के तौर पर बच्चों का ये नंबर लिए ना, अब ये नंबर लिए मैंने इसमें सारा नंबर लिखा, इन सारों को आपस में जमा कर, इधर को भी आप करने हैं किसी को इसमें भी लगे हो, हमने 100 में कर रहे हैं लेकिन हमें चाहिए इससे 2 वैल्यू से, इसकी वजह ये है कि टोटल नंबर तो यार होते ही हैं, कम से कम 1100 में से 500 में से और कर पाता है, ये लोग अगर इसको जमा करेंगे तो वैसे ही हमारा 23 में पड़ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा करेंगे। अब ये काफ़ी है, चलो अब इन सारों को आप लोगों ने कर लेना सेलेक्ट और एक अगला सेलेक्ट करके फिर हम लगा सारे को सेलेक्ट करके अगला सेलेक्ट करना है, फिर हम ये अब इन सारों में जमा हो गया। अब ये देखिए नीचे वाले काफ़ी दिया है, अब ये देखिए अब मेरा टोटल वाला ना ये आ गया कि अली के कितने में से आए, एक मैप के टोटल सेंटर। अगला मेरा टूल है कि हमने निकाल लिया परसेंटेज कि कितने परसेंटेज नंबर लिए, कि कितने परसेंटेज नंबर लिए, मिसाल के तौर पर जैसे आप देखते हैं कोई भी बोर्ड बोर्ड में आए 23% वाला पास है, बाकी फेल हो, ऐसे ही हमने ये रूल दिया, हमने देखना कि कितने इसके परसेंट नंबर आए, हमने यहाँ पे लिख लेना परसेंटेज, परसेंट का ये सिंबल है शिफ्ट टू आके ये सिंबल था परसेंट परसेंटेज, ठीक हो गया लग गया। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है इक्वल टोटल वाला सेल तो करना है, हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना सबसे पहला इसको क्लिक कर लेना, ऑटोमेटिक टोटल नंबर परसेंटेज
ठीक है आप लोगों में मैथ में करके हैं क्या है, मैथ में हम लोग करके हैं ना परसेंटेज निकालते हैं मालूम है क्या शिफ्ट। अच्छा मतलब क्या है परसेंटेज निकालते हैं टोटल में उसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे ये है कि टोटल नंबर उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड की ये ऑप्शन है डिवाइड गिवन बाय दैट डिवाइड करेगा जितने उसके नंबर होंगे सारे टोटल 500 में से नंबर है ठीक हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ ये डिवाइड कर दिया इसको एंटर कर देना ये मेरी 27% नंबर आ रहा है। आप इस सारे को निकाल देते हैं नीचे सालों पे ऑटोमेटिक से काट देंगे। मैं यहाँ पे अगर ई फोर की जगह लिख देता 135 उसे सालों पे 135 में कर देता, लेकिन मैंने इधर सेल लिया क्योंकि सेल ही हमारा तो बीज होता है। अगर मैं 135 करता ना सालों पे 135 में ही करता, अब मैं इसका लगा देना इसका लगा देना, अब मैं इसको ओपन करता हूँ ई फाइव इसको ई सिक्स ई सेवन ई एट उस सेल को डील होगा, इसलिए हमें टोटल नंबर वाला सेल पकड़ना है। आप लोगों ने वो नहीं सेल पकड़ना, लिखना नहीं है 135 नहीं, आप लोगों ने ये टोटल वाला सेल पकड़ना है उसके जितने भी नंबर हो। यहाँ देखा पता लगा कैसे टोटल नंबर निकाल रहे हैं। अगला हमारा टूल है, अच्छा ये चीज़ तो होगी इतनी रखने के बाद अगला हमारा टूल होता है कि इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करना, डेकोरेशन करना। इसके लिए मुझे ये टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम जाके इसको लगा देंगे ऊपर वाला बन गया, अब इसको भी अच्छे कर सारे को पकड़ के ये टूल लगा सेल बन गया शीट पर रखिए एक मेरी सेल बन अच्छे कर। अब ये जो बाकी हिस्से हैं ना ये मैंने खत्म कर दिया, ये जो है ना बाकी इस एक डिब्बे को क्या ये डिब्बे को जो कहते हैं इसको ग्रिड लाइन कहते हैं, ये जो डिब्बे शीट पर ही हुई ना इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रिड लाइन खत्म हो बस ये वाली हो ये वाली बन। मैंने चल जाने टूल्स में ऑप्शन में मेरे ग्रीड लाइन्स इसको ओके की जगह क्लोज कर दिए। आगे देखिए आप मेरा रिजल्ट का क्या सर ये ऐसे हमारे निकलते हैं रिजल्ट कार्ड ऐसे बनता है किसी भी चीज पर किसी का भी यार आप लोग बना सकते हैं रिजल्ट कार्ड ठीक हो गया। यहाँ देखकर नया पता लगा आप पूछ सकते हैं अगला वाला टूल है चलो यार यार यहाँ टिकट आप लोगों ने अभी भी ऐड के क्या क्योंकि ये भूल गया सबसे पहले ये नाम लिख दें उसके बाद ये भी नाम लिख ये पता लग गया ये इतने का पता लग गया जमा करने का पता लग गया जमा कैसे करना है जमा सारे को सेलेक्ट करना है पहला डब्बा सेलेक्ट करके जमा करना ठीक हो गया। उसके बाद परसेंटेज को लेनी पता लगा परसेंटेज के लिए तुझे करना है लिखना फार्मूला इज इक्वल ये वाला सेल ई फोर इधर डिवाइड करते हैं मिसाल के तौर पर नंबर जितने हो आप लोगों ने जब आपने कहीं पर जॉब करने जाना है उन्होंने नंबर बताने हैं डिवाइड बताइए उसको मल्टीप्लाई करें 500 के नंबर 1100 के नंबर जितने भी नंबर होंगे टोटल किसी के 800 के होते 500 के होते 300 वो आप लोग यहाँ लिखोगे 500 की जगह पे जितने नंबर होंगे जितने उसके जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पकड़ के इसको ऐसे क्लिक करके नीचे को सारे सब के लिए सबके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता ना 135 फिर इसमें सालों की 135 में से करेंगे 27 आई है सालों की 27 निकाल देंगे इसको। मैंने आपको कहा है कि सालों की हमें चेंज करनी होती है हमें इस जगह पे सेल लगाना होता है ये सेल लगा के फिर हैंडल लगाना है ये जो होगी हमेशा याद रखना हमेशा
हम जल्दी से हम फिर हैंडल कर लेते हैं, सारा को निकाल, अब टाइम भी बचा, काम भी जल्दी हो।